जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने एक आसान सी जीत दर्ज करी कोलकाता नाइट राइडर पे, जिसकी पूरी पूरी गलती दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान इयॉन मॉर्गन की बताई गई। आप सभी को बता दें दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद गंभीर ने कहा कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में अब तक की सबसे ख़राब और अजीब तरीके की कप्तानी देख चुका हूँ कप्तान इयॉन मॉर्गन के द्वारा। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी यानी कि वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले दो ओवर में दो विकेट लिए हों, फिर अगले दो ओवर में गेंदबाजी ही नहीं की, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि अगर कोई गेंदबाज चलता है, उसका दिन होता है, तो आप उसको लगातार ओवर देना पसंद करते हैं, बल्कि ये भी चाहते हैं कि वो लगातार ओवर कराता रहे। और वो आगे बोलते हैं कि वास्तव में आपने छः ओवरों में ही मैच को सील कर सकते थे, जैसे वरुण चक्रवर्ती और हरभजन सिंह पूरी तरीके से हावी थे, लेकिन आपने उनके ओवर कंटिन्यू नहीं कराए, आपने तेज गेंदबाज को ओवर थमा दिया। फिर आगे वो बोलते हैं कि अगर वरुण चक्रवर्ती को अपना तीसरा विकेट मिला होता या उसने पहले छः ओवरों में ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया होता तो ये खेल वहीं ख़त्म हो जाता। मुझे खुशी है इस बात की कि किसी भारतीय कप्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग अपने खंजर निकाल चुके होते। मैं अब तक की सबसे बेहुदा कप्तानी देख चुका हूँ, मैं इससे समझ ही नहीं पाया कि कप्तान इयॉन मॉर्गन करना क्या चाहते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों, कप्तान इयॉन मॉर्गन ये इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं जिन्होंने साल 2019 में वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप भी दोस्तों टाई हो गया था न्यूजीलैंड के साथ, जिसके बाद दोस्तों फैसला आया था इंग्लैंड की तरफ। लेकिन यहाँ कप्तान इयॉन मॉर्गन करना क्या चाहते हैं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन दो मुकाबले हार चुके तीन में से, इससे ज़्यादा रिजल्ट और क्या चाहिए होगा टीम मैनेजमेंट को। हो सकता है अगले मुकाबले में बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।